टू माय यूट्यूब चैनल बिट्टू की टेक। तो फ्रेंड, आप भी इस तरह का लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं जो कि इंस्टा रील्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह का वीडियो बनाना सिंपली आपको मोबाइल में एलाइट मोशन को कर लेना है ओपन, उसके अलावा प्लस पे टाइप कीजिए, उसके बाद 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे, 1080p 30fps कलर ब्रेक करेक्ट कोजे को क्लिक करने के बाद उसके बाद प्लस पे टाइप कीजिए, मीडिया पर जाते हैं, उसके बाद आपको सॉन्ग एड कर लेना है, जिस भी सॉन्ग को आप बनाना चाहते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सॉन्ग ऐड करने के बाद वीडियो पर टाइप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर डॉट कोने साइड डॉट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद स्टैक ऑडियो की वीडियो को डिलीट कर दे। वीडियो डिलीट करने के बाद सिंपली आपको लिरिक्स लिखना है, तो लिरिक्स लिखने के लिए प्लस पे टाइप कीजिए, एटेक्स पे जाइए, उसके बाद आपका जो भी लिरिक्स है तो वो फर्स्ट लिरिक्स लिख लीजिएगा, उसके बाद साइज पे जाइए, इसका साइज हल्का इतना पर कर रख देते हैं, तो इतना पे रखते हैं। उसके बाद आपका इसको इस वाले ऊपर वाले सिम्बुल पे डॉट पे लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको बीचों बीच रख लेना है, उसके बाद इस वाले फोन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसको ले लीजिएगा, उसके बाद कलर कुछ नहीं छेड़ना है, इतना साइज रख लेना है, उसके बाद सिंपली बैक आ जाना है। अगर लिरिक्स आपका यहाँ तक है, यहाँ का पीछे का पार्ट डिलीट कर देंगे, उसके बाद फिर से लिरिक्स पर टाइप करेंगे, मूवन ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, उसके बाद रोटेट पर जाएंगे, कुछ इतना रोटेट कर देंगे, लगभग 25 के आसपास रखते हैं। उसके बाद इस पर टैप, तो फर्स्ट एयर इफेक्ट पे जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट जो इफेक्ट होगा यहाँ पे आ जाना है आपको, ऑपेसिटी वैलिडिटी में आना है, तो इस वाले जो इफेक्ट है तो डिसो लीव है नाम का इफेक्ट का, इसको सेलेक्ट करने स्टैंडर्ड सेटिंग क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना है, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन दे देना है, उसके बाद स्टार से दूर हट के एक प्लस आइकन दे देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट में जो है इसको 0.60 इसको बढ़ा लेना है, 0.600 कुछ के आसपास रख लीजिए, 635 के आसपास हम रखते हैं, हम रखे थे उतना रख लेते हैं। उसके बाद इसको हम बीच में जो है 0, उसके बाद फिर से एंड में आ जाना है, तो एंड में आ जाने के बाद एंड से दूर हट के एक की, उसके बाद एंड में जो आने के बाद आपको इसको 100% कर लेना, तो कर लेने के बाद आपको स्पीड है जैसा वैसा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली बैक आइए, उसके बाद आपको यहाँ फिर से एड इफेक्ट में जाइए, एड इफेक्ट में जाने के बाद सिंपली अभी जो इफेक्ट होगा ब्लर में जाइएगा, मोशन ब्लर है इसको सेलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कीजिए, उसका मोशन कलर ब्लर है तो स्टार्टिंग में आ जाइए, स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन और एक स्टार से दूर हट के एक प्लस आइकन, इसको हम 0 इतना रहने देते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग में जो है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करने के बाद सिंपली आपको एंड में आ जाना है, एंड में आ जाने के बाद एंड से एक दूर हट के एक प्लस आइकन, एंड में एक प्लस आइकन, एंड में प्लस आइकन देने के बाद सिंपली इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा देने के बाद सिंपली दो इफेक्ट हो गया, तीसरा जो इफेक्ट होगा अभी आपको यहाँ पे डिक्सेशन बार में मतलब ब्लर में जाना है, डिक्सेशन ब्लर है इसको सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाना है एन में, एन से दूर हट के एक प्लस आइकन, एन में एक प्लस आइकन, और उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो है डिक्रेशन हल्का सा इंक्रीज कर लीजिए, डिक्रेशन जो होगा 23 के आसपास रख लेते हैं, हम रखे थे उतना रख लेते हैं। उसके बाद एंगल पे आ जाना, एंगल को आपको हल्का इंक्रीज कर देना है, 8 कुछ रखे थे हम, तो हम इतना रखे थे 8 के आसपास रखे थे, तो 8 रख लेते हैं, हम इतना रख लेते हैं एंगल। उसके बाद कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, तो लिरिक्स पे टैप करिए, उसका बस कलर ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं, उसके बाद इस फिर से जो है ये हो गया, ये यहाँ पे जो हम बढ़ा दिए थे इसको हम पहले 0 कर लेते हैं, तो 0 करने के बाद सिंपली इसको भी हम 0 कर लेते हैं, तो 0 हो गया, ये मोशन ब्लर में आते हैं, इसको भी हम बीच में जो की है इसको 0 कर लेते हैं, और इसको भी हम 0 कर लेते हैं, 0 कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बार में ब्लर में आना है, उसके बाद इसको भी हम पूरा माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देने के बाद कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, तो कुछ इस तरह का आइकन दिखाई, सिंपली इस पर टाइप कीजिए, कलर पर जाइए, इस वाले तीन नंबर के जो आइकन है इस पर टाइप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर कलर आपको ले लेना, जिस भी कलर पर बनाना चाहते हैं, मतलब जिस भी कलर का आप देना चाहते हैं, सिंपली नीचे हम ब्लैक दे देंगे, नीचे वाला जो है ब्लैक ले लेते हैं,
तो ये रहा ब्लैक। उसके बाद ऊपर का जो कलर है, हम ये कलर ले लिए थे तो इसको हम ले लेते हैं। तो नीचे का कलर जो है कुछ इतना पर रखे थे, तो कुछ इतना पर रखते हैं, बिंदु को सटा देते हैं, अपने अनुसार सेट कर लीजिए। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आ जाने के बाद ये कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा, जो कि तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक इफेक्ट ऑर्डर करना है, फिर से एड इफेक्ट में जाइए, और उसके बाद आप यहाँ पे जो होगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाइए। तो इसमें आपको यहाँ पे सिंपली स्विंग इफेक्ट है, उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्विंग इफेक्ट को फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को आपको 2 रहने देना। एंगल पे आ जाना, एंगल को आपको स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन देना है, उसके बाद एन में एक प्लस आइकन देना है। तो एन में प्लस आइकन देने के बाद सिंपली 0 कर लेना एंगल को। 0 कर लेने के बाद सिंपली एन स्टार्टिंग में आ जाइए। स्टार्टिंग में आ जाने के सिंपली इसको 10 रख लीजिए, -10 रख लीजिएगा। तो हम रख लेते हैं एंगल 1 को -10 या +10 रख लीजिएगा। उसके बाद -10 नीचे वो एंगल 2 को रखना है, तो हम -10 रख लेते हैं। फिर एंगल 2 पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन, उसके बाद एन में प्लस आइकन। तो एन में प्लस आइकन देने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ये जो है, तो ऊपर का जो हम दिए थे प्लस आइकन उसमें माइनस, तो इसमें प्लस आपको पहले इसको 0 कर लेना है स्टार्ट एन में जो है, इसको 0 कर लेते हैं हम। तो एन वाला 0 हो गया है। उसके बाद सीधा स्टार्टिंग में आ जाना है। तो ये हम ऊपर वाला जो एंगल 1 है उसको -10 रखे थे, तो ये एंगल 2 है तो एंगल को ओनली 10 रखेंगे। तो एन 10 हम कर लेते हैं। 10 करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। तो बैक आ जाए करने दिए, तो कर्व देने के लिए सिंपली इस पर टैप करेंगे, कर्व कुछ इस तरह से कर देंगे। तो ये कर्व कुछ ऐसे देंगे, तो ये रहेगा कर्व ऐसे। इसको हम कॉपी करते हैं कर्व को। उसके बाद सिंपली बैक आते हैं, उसके बाद एंगल 2 में आते हैं, उसके बाद इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो सिंपली आपको बैक आ जाना है, इफेक्ट लग गया है आपका, तो सिंपली बैक आ जाना है। उसके बाद आपका इस वाले प्रोजेक्ट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसको आप कॉपी कर लेना है। इसको ओपन करते हैं हम, उसके बाद इसका जो इफेक्ट है उस इफेक्ट पे जाते हैं, डॉट पे जाते हैं, कॉपी करते हैं इफेक्ट। उसके बाद सिंपली बैक आ जाना, बैक आ जाते हैं हम, सिंपली वही वाला प्रोजेक्ट में जाना है जो बना रहे हैं। तो उस पर टैप करते हैं लिरिक्स पे, उसके इफेक्ट पे जाते हैं, उसके बाद डॉट पे जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा आपका लिरिक्स। तो ये हो गया है सिंपली आपका ये जो कलर है, कलर रख लीजिए जो इस भी कलर पे देना चाहते हैं तो रख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको सिंपली इफेक्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ जो कलर है एक्स हंगामा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये हो गया है तो कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा इफेक्ट। सिंपली इसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद सिंपली सेकेंड जो इफेक्ट को हम जो यहाँ से स्टार्ट होगा इसको पेस्ट करते हैं। सेकेंड लिरिक्स आपको लिख लेना, तो सेकेंड लिरिक्स आपका जो है लिख लीजिए। तो ये लिख लेते हैं सेकेंड लिरिक्स, सेकेंड लिरिक्स यहाँ तक रहेगा, इस पर टाइप करते हैं मीटर बाय, तो इसको डिलीट करते हैं। थर्ड लिरिक्स लिखें, सिंपली इसको कॉपी कीजिए, थर्ड लिरिक्स लिख लेना, तो थर्ड लिरिक्स लिख लीजिए। तो लिख लीजिएगा आपका जो भी थर्ड लिरिक्स है, उसी प्रोसेस से आपको सारे लिरिक्स को लिरिक्स बाय लिरिक्स सुन के आपको एडिट कर लेना है सारे को। सारे को एडिट करने के बाद सिंपली आपको प्ले करते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा लिरिक्स। तो प्रीव्यू आपको दिखने रहा होगा, क्योंकि हम प्रीव्यू लो क्वालिटी में रखे हैं इसलिए प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा। सिंपली शेयर करते हैं लिरिक्स, आवर सारे लिख लेना, उसके बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, एक्सपोर्ट कर लेना। तो एक्सपोर्ट करने के सिंपली चलते हैं कैपकार्ट में। तो कैपकार्ट को ओपन करने के पहले वीपीएन को कनेक्ट कर लेना। तो कैपकार्ट ओपन हो जाने के बाद सिंपली आपको प्रोजेक्ट पे जाना है। तो प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आपको जो भी वीडियो बनाए थे उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लेते हैं उस वाले वीडियो को। तो ऐड करने के बाद सीधा स्टार्टिंग में आ जाए, उसके बाद इसको हम जूम कर लेते हैं। तो जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिंपली आना है इफेक्ट पे। इफेक्ट पे आ जाने के बाद सिंपली आपको ये जो
जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, पार्टी में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे रिफिल है, रिफिल्स को सेलेक्ट कर लेना है। रिफिल सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ जो यहाँ फर्स्ट जो लिरिक्स आपका जहाँ से वहाँ का वहीं तक एक रिफिल रखेंगे, उसको सिंपली कॉपी करते हैं। सेकेंड लिरिक्स जहाँ से आपको ख़त्म हो रहा है तो वहाँ तक ही रखना है। उसके बाद थर्ड लिरिक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक रख लीजिए। थर्ड लिरिक्स यहाँ तक इसको छोटा कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ लिरिक्स लिखने के लिए सिंपली फोर्थ लिरिक्स यहाँ से आ रहा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। सिंपली फाइव जो लिरिक्स होगा इसको कॉपी करते हैं, फाइव लिरिक्स तो इतना रहेगा। इसको हम सारे को कॉपी कर लेते हैं। इसी प्रोसेस से आपको कॉपी लिरिक्स बाय लिरिक्स आपको ऐड कर लेना है रिफिल इफेक्ट को। उसके बाद आपको जहाँ पे बीट आपका चेंज होगा तो वहाँ पे रिफिल इफेक्ट को ऐड नहीं कीजिएगा, सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। अगर इस वाले डॉट पे क्लिक करते हैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज का वीडियो सीखने के लिए मिला, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं।